तो हाल ही में जब कुछ दिन पहले भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज के जब तीसरे मैच में विराट कोहली 166 नॉट आउट की पारी खेलते हैं, तो अगले दिन जो मैं उसके वीडियो लॉन्च करता हूं, उस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ ये कह के करता हूं कि वक्त को भी वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। और वापस से आज मैं वीडियो में फिर से ये कहने पर मजबूर हो गया हूं कि सच में वक्त को वक्त बदलते बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। आपको मोटा आलसी, इसको वड़ा पाव खिलाओ, इसका पेट निकला हुआ है, क्या ये सारे ही जुमले आपको याद आ रहे हैं? हाँ, ये वही जुमले हैं जो पिछले कुछ महीनों के अंदर रोहित शर्मा के लिए इस्तेमाल करे गए थे। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप और मुझ में से ही ऐसे कई लोग होंगे जो रोहित शर्मा के लिए इन जुमलों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीने रोहित शर्मा के लिए बिल्कुल भी यादगार नहीं रहे। चाहे उनकी कप्तानी की बात कर लें, या चाहे उनकी बल्लेबाजी की बात कर लें, चाहे हम एशिया कप की बात कर लें, या चाहे हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, ना ही उनकी कप्तानी ने उनका साथ दिया और बल्ले ने तो पूरे तरीके से उनसे बेवफाई ही कर ली। और जैसा मैंने कहा कि उनके बल्ले ने उनका क्या साथ छोड़ा, उनके चाहने वाले भी मानो उनसे रूठ ही गए। जो लोग एक दो साल पहले तक सोशल मीडिया पे ये लिखते थे कि रोहित शर्मा जैसा हिटर दोबारा नहीं आएगा, रोहित जैसा प्लेयर दोबारा जन्म नहीं लेगा, वही लोग जाके अलग अलग सोशल मीडिया पे ये लिखने लगे कि ऐसे आदमी को खिला ही क्यों रहे हो, ये बंदा तो टीम पे बोझ है। और शायद आप में से बहुत लोग को याद होगा कि मैं अपनी वीडियोस में एक बात कई बार कहता हूं कि आप महान सिर्फ इस वजह से नहीं बनते हो कि आप एक अच्छे प्लेयर हो, आप महान असल में इस चीज से बनते हो कि जब आपका बुरा दौर चल रहा है तो आपने अपना कमबैक सिर्फ शब्दों से किया था या अपने कर्म से किया था। और रोहित के भी उस बुरे दौर में उनको सुनाने वाले बहुत थे, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि रोहित शर्मा ने उस ट्रॉलिंग को जवाब दिया हो, क्योंकि रोहित जानते थे कि तब तक जवाब देने में मजा नहीं आता है जब तक आपका कर्म आपके साथ ना हो। आपके शब्दों का जवाब तो लोग आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, लेकिन जो जवाब अपने बल्ले से दिया जाएगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और अब आपको एक कमाल की बात बताऊं कि जैसे ही रोहित शर्मा ने ये कमबैक करा है, तो एक ही दिन के अंदर ऐसे तीन तीन स्टेटमेंट आए जिसे सुन के आप सच में पगला जाएंगे, जिसे सुन के आप सच में ये कह देंगे कि वक्त को वक्त बदलते सच में वक्त नहीं लगता। लेकिन वो देखने से पहले ये सुनो कि इंडिया न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज तो खत्म हो चुकी है, पर असली मजा तो अब शुरू होना है, क्योंकि 27 से खेली जानी है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज। तो जब मजे की बात आ ही गई है, तो इस मजे को आप दोगुना कर सकते हैं वनस बेट के साथ, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करके। मैंने तो T20 सीरीज के लिए अपना जो दाव खेला है पूरे तरीके से इंडिया के साथ खेल दिया है, और जिन प्लेयरों पे मैंने दाव खेला है वो है राहुल त्रिपाठी और सूर्य कुमार यादव। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वन एक्स बेट पे बहुत सारे इवेंट होते हैं जहां से आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन से प्लेयर ज्यादा रन मारेगा, या फिर इतने ओवर में कितने रन बनेंगे, 10 ओवर में 20 ओवर में कितने रन बनेंगे, पहली बैटिंग करने वाली टीम कितना स्कोर करेगी। ऐसे कई इवेंट होते हैं जहां पे आप पैसे पुट ऑन करके हजारों लाखों रुपए जीत सकते हैं। उसके अलावा वन एक्स बेट पे 5% कैशबैक बोनस मिल रहा है जो आपको गारंटीड मिलता है, तो बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वन एक्स बेट को चेकआउट करो और बहुत ही सुरक्षित होकर खेलो, रिस्पॉन्सिबली खेलो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जितना सही लगे उतना खेलो और जल्दी से जाओ, जैसा मैंने कहा कि वन एक्स बेट को जरूर चेकआउट करो। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से रोहित शर्मा ने ये कमबैक करा है, तो एक ही दिन में ऐसे तीन तीन स्टेटमेंट सामने आए जो आपको सुनने ही सुनने चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जब से उस T20 वर्ल्ड कप का अंत हुआ है, तो उस T20 वर्ल्ड कप की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार जिन दो लोगों को माना गया था, पहले तो थे रोहित शर्मा और दूसरे थे KL राहुल। उस पूरे ही T20 वर्ल्ड कप में ये दो ही लोग थे जिनको टीम पे सबसे बड़ा बोझ बताया गया था, और यही रीजन है कि T20 वर्ल्ड कप के खत्म होते ही इन दोनों का T20 करियर भी खत्म मान लिया गया था। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि असल मजा कमबैक का तब ही आता है जब लोग आपके कमबैक की उम्मीद ही छोड़ चुके हों। अब आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो T20 फॉर्मेट की पूरी टीम को बदल दिया गया, और सेम टाइम पे T20 फॉर्मेट के कप्तान को भी चेंज कर दिया गया,
और रोहित शर्मा से T20 की कप्तानी छीन ली गई। भले ऑफिशियली कभी ये अनाउंस नहीं करा गया कि रोहित शर्मा T20 के कप्तान नहीं होंगे, लेकिन अनऑफिशियली भी इसको इतना ऑफिशियल कर दिया गया कि अब कभी भी आपको T20 में ना रोहित शर्मा खेलते हुए दिखेंगे और ना रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर से याद करिए उस लाइन को जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि वक्त को भी वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वक्त इस हद तक बदला है कि वो सुनील गावस्कर जो T20 वर्ल्ड कप के दौरान ये कहने में लगे थे कि अगर रोहित शर्मा कप्तान भी हैं तो उन्हें सामने से टीम से निकल जाना चाहिए कि वो टीम पे बोझ ना बने, आज वही सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा इसी तरीके से 2023 वर्ल्ड कप तक खेल जाते हैं तो इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि ये रोहित शर्मा 2024 वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए भी दिखेंगे और शायद आपको कप्तानी करते हुए भी देखने को मिले। हाँ, सच में वक्त इस हद तक बदला है कि वो राहुल द्रविड़ जो इतने टाइम से जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि क्या रोहित और कोहली अब T20 में देखने को नहीं मिलेंगे, तो वही राहुल द्रविड़ हमेशा उस सवाल को इग्नोर कर जाते थे। लेकिन कल के दिन वही द्रविड़ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं और कहते हैं कि अभी रोहित और विराट के लिए T20 खत्म नहीं हुआ है। जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि इन दोनों को ही T20 फॉर्मेट से निकाल दिया गया है या इनका करियर वहां पे खत्म कर दिया गया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग आपको वापस से T20 फॉर्मेट में खेलते हुए देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि हमारा अभी जो फोकस है वो ODI फॉर्मेट में है, वो 2023 वर्ल्ड कप में है, पर उसके बाद ये दोनों ही आपको T20 में भी जरूर दिखेंगे। देखो, बहुत हद तक पॉसिबल है कि इस समय सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ जो कह रहे हैं यही सेम चीज ये लोग हफ्ते भर पहले नहीं कहते, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने प्रूफ किया है कि वो बस एक बुरा दौर था, वो हमेशा के लिए बुरा नहीं रहने वाला था, तो जैसे जैसे रोहित शर्मा बदले, यहां सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ के स्टेटमेंट ही बदल गए। लेकिन अब इससे भी कमाल की बात बताऊं कि अगर आपने कल के दिन रोहित शर्मा की सेंचुरी को लाइव देखा होगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उन्हें पवेलियन की तरफ जाते हुए देखा होगा, तो आपने नोटिस करा होगा कि जैसे ही रोहित शर्मा पवेलियन की तरफ लौट रहे होते हैं और पवेलियन से विराट कोहली पिच की तरफ आ रहे होते हैं, तो तभी वहां पे कुछ सेकंड्स के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। अब उस वक्त तो किसी को नहीं समझ में आता है कि आखिर विराट कोहली रोहित शर्मा से क्या कह रहे हैं, लेकिन मैच के बाद जब रोहित शर्मा से ये पूछा जाता है कि वहां पे आपको विराट कोहली ने क्या कहा था, तो रोहित शर्मा बहुत ही खुश होकर ये बताते हैं कि विराट कोहली मुझसे कह रहे थे कि हां, बस एक ऐसी ही पारी चाहिए होती है आपको वो कमबैक करने के लिए जिसके लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा को भी 1000 से ज्यादा दिन हो चुके थे अपनी सेंचुरी मारे, और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जो विराट कोहली रोहित शर्मा से कह रहे हैं कि आपको बस वो एक ही पारी चाहिए होती है अपना कमबैक करने के लिए, ये बात असल में विराट कोहली से बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि विराट कोहली को भी वो एक ही पारी लगी थी अपने विंटेज फॉर्म में लौटने के लिए। एक बार वो अफगानिस्तान के खिलाफ वो सेंचुरी क्या आई, उसके बाद विराट कोहली को रोक पाना नामुमकिन हो गया। जो विराट कोहली उस सेंचुरी से मात्र कुछ दिन पहले टीम पे बोझ कहा जा रहा था, वही विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा रन मारने वाला बल्लेबाज बन गया, वही विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप के लिए सबसे भरोसेमंद प्लेयर बन गया, और इसी को कहते हैं वक्त बदलना। वैसे आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, पूरी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और दूसरी चीज इस सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा कि क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप के बाद 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी दिखेंगे। इस पे भी ऑनेस्टली एकदम ईमानदारी से जो आप महसूस करते हैं, जो भी वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने कहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से 1SBet को चेकआउट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल्द ही इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज भी शुरू होने
होने वाली है और T20 के मजे के साथ अगर आप पैसे का मजा भी उठाना चाहते हैं तो OneXBet से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होने वाला है। मैंने तो इंडिया पे दाव खेल दिया है, आपकी जो भी इच्छा हो आप प्रोसीड कर सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा इवेंट है वहां, किसी में भी आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही वेट मत करें। जैसा मैंने कहा, एक बार जाके OneXBet को जरूर चेकआउट करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी एक लाइक दें, जो सवाल मैंने पूछा है उनका जवाब भी कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।